Hey guys, welcome to Cook and Learn. I am Amit Vashist. So far we've learned how to make the Indian basic gravies, and now it's time to make the other dishes using these Indian gravies. So even before we start cooking, it's very, very important that we get organized. In our kitchen terminology, we call it mise en place. So this is our mise en place. So आज मैं सिखाऊंगा आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक जिससे आप ये पूरा का पूरा सीक्वेंस याद कर सकते हैं और आप सर्विस के समय कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उठा के अपना पैन हम आगे रखते हैं। And now we will discuss the ingredients on the right. So firstly, imagine this to be your 9-space spice box that we actually use in the hotels. तो शुरुआत करते हैं हल्दी, मिर्ची और नमक से, और इसे तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते क्योंकि ये पाउडर इंग्रेडिएंट्स हैं और ये दूसरे इंग्रेडिएंट्स के अंदर ना गिर जाए, इसीलिए हम इसे अपने पैन के पास रख रहे हैं। सो सेकंड रो में सबसे पहले बारी आती है कोरिएंडर पाउडर की, क्योंकि कोरिएंडर पाउडर सब डिशेस में ऑलमोस्ट यूज होता ही है। उसके बाद है हमारा गर्म मसाला, और गर्म मसाला भी ऑलमोस्ट सब डिशेस के अंदर फिनिशिंग में डाला ही जाता है। और सेकंड लाइन में तीसरे नंबर पे है कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी भी हमारी नॉर्थ इंडियन डिशेस में अक्सर यूज होती है और बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है नॉर्थ इंडियन क्यूजिन का। थर्ड लाइन में बारी आती है होल स्पाइसेस की, जिसमें सबसे पहले है कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स के बाद अगला नंबर आता है जीरा का, होल जीरा, और तीसरे नंबर पे होल गरम मसाला। सो स्पाइस बॉक्स हमारा फुल हो गया है। अब बारी आती है स्पाइस बॉक्स के बाहर के इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें सबसे पहले है होल रेड चिलीज, उसके बाद है सॉफ्टन बटर। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर बटर इज नॉट मेल्टेड, इट इज सॉफ्टन। थर्डली वी हैव लवली फ्रेश कोरिएंडर, एंड देन वी हैव chopped and slit green chilies. Okay, after that the lovely gravies that we made, on that the first number is onion tomato masala, uske baad yellow gravy, and uske baad hamari makhni gravy, aur iske baad bari aati hai filter cold water ki jo aap yahan pe rakhenge, aur uske baad chicken stock jo maine aapko apni previous video mein banana sikhaya tha, and lastly some wet ingredients on the top of your tray, which are cream, देसी घी, बीटन योगर्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। एंड लास्टली ऑयल के बिना तो खाना बन ही नहीं सकता, सो हमारा रिफाइंड ऑयल। एंड लास्टली समथिंग यू शुड नेवर फॉरगेट, अ नाइस क्लीन डस्टर, दिस इज योर ऑल टाइम फ्रेंड। सो आई होप टुडे यू मस्ट हैव लर्न द सेटअप ऑफ इंडियन किचन फॉर द सर्विस। इन आर नेक्स्ट वीडियोज वी विल सी how to cook with this setup. So it'll be really nice if you also go back to your kitchen and do the same setup. It'll really help you in catering to your customers in a very speedy way. Till the time we meet again, take care, keep cooking and keep learning.